नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फटे हुए दूध की बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं किस मिठाई को मैंने कैसे बनाया है। ये देखिए, ये 1 किलो हमारा दूध था तो ये दूध हमारा फट गया है। तो आज मैं इसी की बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाऊंगी। तो क्या होता है कि कई बार दूध फट जाता है तो हम फेंक देते हैं, या फिर इसका पनीर बना लेते हैं, या फिर इसको निकाल करके इसमें चीनी डाल करके बच्चों को दे देते हैं, या फिर खुद भी खा लेते हैं। तो आज मैं इसकी बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कि इस मिठाई को मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये मैं इस तरीके से छन्नी ले लूँगी एक, और इसे छान लूँगी। तो इसे हमें इस तरीके से छान लेना है। तो आपको कपड़े में नहीं छानना है, इसी तरीके से जाली में छानना है। तो हम थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी डाल देंगे ताकि अगर इसमें स्मेल हो थोड़ा बहुत खराब दूध की, तो वो निकल जाए अच्छी तरीके से। इस तरीके से आपको पानी डाल देना है इसमें। बस इसको ज़्यादा नहीं छानना है, बस इतना ही छान करके इसे हमें निकाल लेना है एक प्लेट में। तो ये मैंने इसे इस तरीके से कटोरी में निकाल करके रख दिया है। तो इसे रखते हैं साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। तो ये गैस पे हमने एक पैन रख दिया है और अब इसमें मैं डाल रही हूँ घी। तो ये हमने 2 चम्मच इसमें घी डाल दिया। तो हमें गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा मेल्ट हो जाए। और बस अब इसमें हमें डाल देना है पनीर, और इसे हमें थोड़ा सा इस तरीके से भून लेना है, हल्का सा। ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ही इस तरीके से हमें भूनना है। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ चीनी। तो चीनी आप इसके हिसाब से ही लीजिएगा, कम ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो हमने जितना पनीर था उतना ही चीनी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और इसे हमें अच्छे से चला लेना है, इस तरीके से कर करके अच्छे से हमें थोड़ा पका लेना है इसे। और इस तरीके से इसलिए कर रही हूँ ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं ना पनीर की, वो फूट जाए। इसलिए हमें इस तरीके से कच्छे से करते रहना है। जो चीनी थी वो भी सूख गई है और ये हमारा पनीर भी सूख गया है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में ठंडा होने के लिए। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। इसके बाद हम इसकी मिठाई बनाएंगे, फैला देना है। तो अब हमें लेना है एक मिक्सी का जार, और इसमें हमें डाल देना है ये जो हमने बना कर रखा है पनीर का, वो डाल देंगे चीनी और पनीर। और अब इसे हम पीस लेंगे। तो अब इसे हम खोल लेते हैं। तो मिक्सी में हमने इसे थोड़ा सा चला लिया है इस तरीके से, और अभी हम इसमें कुछ और मिलाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या मिलाते हैं। तो ये देख लीजिए, मैं इसमें 5 काजू डाल रही हूँ। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं काजू, और 5 ही हम बादाम इसमें डालेंगे। और अब इसे हम और पीस लेंगे अच्छी तरीके से। तो चलिए इसे खोल करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, काजू और बादाम भी अच्छी तरीके से पीस गया है इसमें। तो इसे हमें निकाल लेना है एक बर्तन में। तो इसे हम इस तरीके से प्लेट में निकाल ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल नई रेसिपी है, बिल्कुल अलग है। इससे ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी कहीं भी, क्योंकि इसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है बहुत ही अच्छे से। मैंने इसे 1-2 बार बनाया है, इसके बाद ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा दाने नहीं, हल्के हल्के से है दाने, ये मैं आपको दिखा रही हूँ पास से ये। तो अब इसे हमें इस तरीके से हाथों से थोड़ा सा कर लेना है, बस देखना है कि बंध रहा है कि नहीं। तो ये देख लीजिए, ये बंध रहा है। तो चलिए अब हम इसका पेड़ा बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से छोटा छोटा पोर्शन तोड़ना है, और ऐसे इसे पहले हमें लड्डू की तरह कर लेना है। और अगर आप चाहें तो हाथों में तेल लगा सकते हैं, तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर मत लगाइए, बिना लगाए ही इस तरीके से बना लीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से बन जाएगा। पहले आपको इस तरीके से लड्डू की तरह बना लेना है, और फिर इसके बाद इस तरीके से हथेली में रख करके, और बहुत ही दानेदार बनता है, बहुत बढ़िया बन करके तैयार होता है। तो फिर इस तरीके से आपको कर लेना है, ये देखिए ऐसे। और ये बिल्कुल पनीर पनीर का है, इसे हल्का सा फट रहा है। तो इसे आपको ऐसे कर देना है हाथों से ऐसे। और अगर आपके पास पेड़े का सांचा है तो आप यहाँ पे पेड़े का सांचा लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं इस तरीके से ऐसे अंगूठे से कर दे रही हूँ, ये देखिए ऐसे हल्का सा चपटा। और इसे रख देते हैं प्लेट में। तो ये देखिए, और इसी तरीके से सारे पेड़े को हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने इतने पेड़े बना करके तैयार कर लिए हैं। तो अब इसे हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। तो इस तरीके से हम पिस्ते से गार्निश कर दे रहे हैं, और आप मन चाहे अपने ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। और अगर आपका ये इस तरीके से पेड़े नहीं बन रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसमें दूध भी मिला सकते हैं, हल्का हल्का सा दूध,
मिला करके और इसे बांध लीजिए फिर। तो ये देखिए हमने इसे इस तरीके से गार्निश कर दिया है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि मैं जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।